हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये हमारा ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर 11। तो गाइस यार, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने 71 आवर्स के बाद जो अपना मेन एनिमी था उसको तो यहाँ पे इजिली रेड कर दिया था, पर उसका जो है ना तीन बेस थे, एक बेस हम लोग रेड नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास इतने बॉम्ब्स नहीं थे। बॉम्ब्स तो थे पर हमारे पास साइक्लोनाइट बॉम्ब नहीं था यार। उसका बेस जो था वो पूरे का पूरा टाइटेनियम का था। एंड हम लोगों ने इनके दो बेस जो मेन मेन थे वो रेड मारे, पर उनसे जो है ना हमें लिटरली गाइस एक सल्फर तक नहीं मिला। तो हम लोग समझ गए थे यार, उस बेस को रेड मारना मतलब बेवकूफी होगी। तो हम लोगों ने जो है ना उस बेस को वहां पे रेड नहीं मारा। एंड उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे बेसेस रेड करने के लिए निकल गए थे, क्योंकि यार मेरे को आपको बताना था कि आप लोग छोटे छोटे बेस को रेड मार के यार काफी मोटा प्रॉफिट ले सकते हो। एंड वही चीज गाइस मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप लोग यार जो सर्वर में टॉप में उसको रेड मारने के बजाय जो छोटे छोटे बेसेस है उनको रेड मारो, एंड वहां से जो है ना आप लोगों को काफी गजब का लूट मिलने वाला है। वैसे यार काफी लंबे टाइम से ये क्वालिटी का प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रहा है, तो यार मैं इस वीडियो को रात को ही अपलोड कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट डे वीडियो आ जाएगा तो यार बताना जरूर कि क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ा है या फिर अभी भी वैसी आ रहा है। तो अभी जो है ना गाइस, यहाँ पे से हम लोग छोटे छोटे बेसेस देखने निकले थे, एंड यहाँ पे हमें एयरपोर्ट के पास में एक बेस दिख गया, टावर बेस था। एंड यहाँ पे फर्नेस भी जल रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो उसको रेड करते हैं। एंड यहाँ पे गाइस हम लोग लैडर लगा के इसके बेस के ऊपर तो पहुंच चुके हैं, एंड इसमें सारे के सारे बॉक्सेस में एक 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 लिखे हुए हैं। तो हम लोगों ने कहा यार बंदे में जरूर एक है, तभी उसने सारे के सारे बॉक्सेस में एक 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 ही लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा भाई सब बॉक्सेस में एक तो लिखा हुआ है पर किसी में भी एक ही है नहीं। तो मैंने कहा यार क्या पता बंदे के पास एक होगी। तो हम लोगों ने सारे के सारे बॉक्सेस तोड़े भाई, लिटरली एक सल्फर तक नहीं मिला इस बेस से भी। तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो कोई नहीं, इसका नीचे वाला सेक्शन जो है एक बार वहां पे हम लोग जाके देखेंगे कि क्या पता हमें कुछ ना कुछ खास मिल जाए। वैसे यार हम लोगों ने आज अपना इंट्रो नहीं दिया, तो गाइस यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 350। आई होप गाइस आप लोग 350 लाइक तो कंप्लीट करा ही दोगे। तो गाइस यहाँ पे हमने सारे के सारे लार्ज बॉक्स तो फोड़ दिए पर किसी से हमें एके नहीं मिला। एंड यहाँ पे गाइस फाइनली जाके हमें एके मिल चुकी है जो कि इसने अपने वेपन बॉक्स में रखी होगी। लगता है भाई इस भाई को एके मिली होगी और वो भाई जो है ना काफी ज्यादा खुश हो गया था, भाई मेरे को एके मिल गई। तो उसने जो है ना हर बॉक्स के अंदर एके लिख दिया। एंड यहाँ पे जो है ना अपना टीममेट बोलने लगा कि फटाफट से यहाँ पे आ, इसके नीचे वाले सेक्शन में चलते हैं। तो उन्होंने कहा यार मेरे पास हैमर है, एक बार हम लोग हैमर रेड करके देखते हैं। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा बॉक्सेस लगा के रखे हुए हैं पर सारे के सारे बॉक्सेस खाली हैं। तो यहाँ पे एक डोर है, मैंने डिसाइड करा सबसे पहले मैं एक एक करके सारे के सारे बॉक्सेस चेकआउट करता हूँ, पर यहाँ पे सारे के सारे बॉक्सेस खाली है। तो हम लोग इसका कैबिनेट ढूंढने लगे थे, तो अपना टीममेट बोला चलो ऐसे करते हैं नीचे का इसका आयरन का डोर तोड़ते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं तोड़ तोड़ के। एंड जैसे ही गाइस हम लोगों ने यहाँ पे से हैमर से इसको तोड़ने का ट्राई किया, एंड हम लोगों ने तोड़ भी दिया था, अंदर से जो था ना इसका स्टील का डोर था। मैंने कहा भाई रहने दे, इसको रेड करके कोई भी फायदा नहीं है, अपना यहाँ पे टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है। हम लोग आगे चलते कोई बेस वगैरह देखेंगे, मे बी वहां पे अपने को सल्फर वगैरह मिल जाए, सो इससे जो है ना हम लोग अपनी आगे की रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे अपने टीममेट ने बोला भाई तू भी जरा इसको रेड मार के देख कितना डैमेज आ रहा है। भाई 43 का डैमेज, मतलब ये तो यार नॉर्मल हैमर से भी ज्यादा खतरनाक है, इससे तो हम लोग टाइटेनियम को डोर भी इजीली तोड़ सकते हैं। तो यार एक बार ये ट्राई तो करना ही है। तो गाइस मैं नेक्स्ट सर्वर में जो है ना इस हैमर को बना के रखूंगा एंड ट्राई करेंगे कि हम लोग ना काफी ज्यादा टाइटेनियम रेड इस हैमर से करें। क्या बोलते गाइस, एक चैलेंज करें हैमर रेड का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। नेक्स्ट सर्वर में मैं करूंगा जरूर हैमर रेड का, तो आप लोगों को सपोर्ट जरूर करना है गाइस। चलो यार अभी जो है ना हम लोग फटाफट से इसको रेड मारते हैं। एंड यहाँ पे मैं जो है ना हैमर बना रहा था पर मेरे से हैमर नहीं बन रहा था, तो मैंने अपने टीममेट से बोला भाई इसको हैमर किस तरीके से बनाना है। सो मेरे टीममेट ने बताया जैसे हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे आपको, सो उससे आप लोग हैमर भी बना सकते हो, एक्स भी बना सकते हो। तो मैंने कहा रुको यार एक बार ही ट्राई कर रहा तो बनता ही है। ओके गाइज यहाँ पे लाइट हैमर, ओ गाइज फाइनली हैमर बन चुका है, तोड़ते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे तोड़ा भाई स्टील का डोर, मैंने कहा यार इससे आगे तो अपन लोग रेड नहीं कर पाएंगे, ऐसे करते हैं यहाँ पे चलते हैं क्योंकि अपने को इस बेस से मिलना कुछ नहीं है।
तो जितना हम लोग अपना हैमर यहाँ पे वेस्ट करेंगे उतना हम लोग किसी और बेस में अपना हैमर को वेस्ट करेंगे। तो चलो गाइस निकलते फटाफट से यहाँ पे और अपनी गाड़ी में बैठ के ढूंढते कोई और बेस। एंड यहाँ पे एक बेस था जिसने वेंडिंग में हैंडमेड C4 सेल में लगाया था, तो मैंने डिसाइड करा चलो भाई चलते हैं फटाफट से इसको रेड के मार के आते हैं। तो गाइस जब से ये सेव बॉक्स वाला सीन हुआ ना, सारे के सारे भाई लोग इतने चकड़ित हो चुके हैं, मतलब यार जितना भी बम्स बनाते हैं सारे का सारा सेफ में डाल के ले जाते हैं। मतलब यार खेलता सोलो बनता है पर सेफ उसके 2 से 3 अकाउंट के ऊपर रहते हैं। तो समझ लीजिए गाइस जितना भी आप लोग बम करोगे एंड उतने ही सही रेड मार पाओगे। एंड अब तो भूल ही जाइए यार आपको किसी और के बेस से यहाँ पे बम वगैरह मिलेगा। एंड फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं एंड बेस यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो इसको रेड करना तो बनता ही है। वैसे बंदे ने जो हाई वॉल का डोर है वो स्टोन का करके रखा हुआ है, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसमें हैमर रेड करने का। देखते हैं गाइस हम लोग हैमर से कितने डोर तोड़ पाते हैं। भाई आयरन ऐसे करते हैं ऑयल ड्रम्स ही लगाते हैं, क्योंकि आयरन का हाई वॉल का डोर तोड़ने में लगभग 8 से 12 हैंडमेड तो यहाँ पे इजीली लग जाएंगे। सो यहाँ पे स्टोन की वॉल है हाई वॉल, तो मैंने डिसाइड करा उसी को तोड़ते हैं। भाई लगता है ऑयल ड्रम खत्म हो गए, अभी मुझे लगेगा हैंडमेड्स ही लगाने पड़ेंगे क्योंकि अपने पास इतने ऑयल ड्रम्स नहीं है कि हम लोग इसकी हाई वॉल पूरा तोड़ पाए। भाई अब हैंडमेड्स लगेंगे, भाई यहाँ पे नुकसान थोड़ा सा हुआ पर कोई नहीं गाइस चलता है। भाई अभी भी एक हैंडमेड्स और लगेगा कि हम लोग गन से तोड़े, तो ऐसे करते गाइस मैं यहाँ पे देख रहा था अपना डेली का, फिर हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार इसको गन से तोड़ते हैं, पर गन से तोड़ने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने अपने टीममेट से बोला है भाई हैंडमेड ही लगा दे। ओहो गाइस सिंपल रॉकेट सेल चल रहे हैं, चलो कोई नहीं एक और लगेगा हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे हाई वॉल तो टूट चुकी है एंड अभी जो है ना यहाँ पे शॉटगन ट्रैप्स लगा के रखी हुई है बंदों ने, भाई देखना पड़ेगा इसको किस तरीके से। सबसे पहले तो शॉटगन ट्रैप का हम लोग एमो खत्म करते हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे हैमर रेड ट्राई। तो गाइस यहाँ पे एक शॉटगन ट्रैप्स की बुलेट तो खत्म हो चुकी है, पर अभी भी जो है ना अंदर की शॉटगन ट्रैप्स है उनको छोड़ना पड़ेगा एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर। बस हम लोग सोच रहे हैं यार इस बेस का बंदा ऑनलाइन ना आ जाए यहाँ पे। तो चलो गाइस यहाँ पे लगभग 2 शॉटगन ट्रैप्स की बुलेट्स खत्म हो चुकी है, फटाफट से जो है ना यहाँ पे हम लोग हैमर रेड को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं गाइस हम लोग कितने डोर्स यहाँ पे हैमर से तोड़ पाएंगे। भाई मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा एंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ स्टील के डोर में कितना डैमेज आता है। ओके भाई बन क्यों नहीं रहा है, ओके बनेगा अभी बनेगा गाइस। तो फाइनली हैमर बना भाई 28 का डैमेज, लिटरली गाइस 28 का डैमेज आ रहा है, मतलब आप लोग हैमर रेड यार इजीली कर सकते हो। तो गाइस यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं करें एक चैलेंज हैमर रेड का, मतलब हम लोग बॉम्ब्स वगैरह तो बनाएंगे पर जितने भी हम लोग बेस रेड मारेंगे 71 आवर्स में हैमर से मारेंगे एंड हमें जो है ना रूम्स काफी ज्यादा करने पड़ेंगे हैमर्स बनाने के लिए। तो यार मैं ट्राई हूं करूंगा जरूर हैमर से रेड करने का। अभी जो है ना सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेड मारते हैं, तो मेरे पास यार ये जितनी भी एनर्जी थी वो ज़्यादा नहीं थी एंड लगभग जो है ना अपने पास इतना ही एनर्जी था, क्योंकि ये भी एनर्जी जो है ना हमें उसके बेस से मिला था जो कि हम लोगों ने कर्ल रेड मारा था। भाई एक हिट में जो है ना लगभग 25 एनर्जी खत्म हो रही है, भाई टूट गया बहुत जल्दी टूटा। एंड अभी जो है ना यहाँ पे एक और डोर है, उसके बाद एक और डोर है, लगभग 3 से 4 डोर है। भाई यहाँ पे शॉटगन ट्रैप 100-100 पे क्यों चली है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा यार मैं शॉटगन ट्रैप के सामने खड़ा था एंड शॉटगन ट्रैप ने उस टाइम नहीं मारा एंड बाद में जो है ना शॉटगन ट्रैप मारना स्टार्ट हुआ। भाई गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है यार। चलो कोई नहीं फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं, सबसे पहले शॉटगन ट्रैप का बुलेट्स खत्म करेंगे जंप कर करके, हो ही जाएगा यार ज्यादा कहां डालेगा शॉटगन ट्रैप का। तो फाइनली यार यहां पे शॉटगन ट्रैप्स की बुलेट्स खत्म हो चुकी है, फटाफट से जो है ना तोड़ते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोगों ने हैमर से दूसरा डोर भी तोड़ दिया है एंड अपने हैमर की जो हेल्थ है वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो मेरे टीममेट ने बोला यार फटाफट से तुम लोग अपने बेस जाओ एंड वहाँ पे एक हैमर पड़ा होगा। वैसे हमें कर्ल के बेस से काफी ज्यादा हैमर्स तो मिले थे पर हम लोग वहाँ पे से उठाना भूल गए थे यार, अपने दिमाग में रहा ही नहीं एंड अभी तक जो है ना सारे के सारे हैमर मे बी वेस्ट हो गए होंगे, आई मीन डिस्पॉन हो गए होंगे, सो वहाँ पे जाके कोई फायदा नहीं है। तो अभी जो है ना गाइस यहाँ पे अपना टीममेट
एक एक रेजिस्टेंस वायर से यहाँ पे इसको डोर को तोड़ने में लगा हुआ है। देखते हैं यार वो डोर कब तक टूटता है। भाई मैं भी वेट करता हूँ यहाँ पे, देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं अपने बेस गया था एंड वहां से हैमर वगैरह लेके आया, पर अभी जो है ना अपने सारे के सारा सामान खत्म हो गया, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार यहाँ पे हम लोग आगे बॉम्ब ही लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना डबल डोर है एंड सारे के सारे बॉम्ब अपने टीममेट की सेफ बॉक्स में, तो यार उनसे मांगकर कोई भी फायदा नहीं। अगर कोई बंदा टपका दिया ना अपने को भाई गलत सीन हो जाएगा। तो अब फाइनली गाइज हम लोगों ने डिसाइड करा, अभी हमारे पास सी4 भी नहीं है तो अभी अपने को साइक्लोनाइट बॉम्ब ही लगाने पड़ेंगे। मेरे पास यार थोड़े से हैंडमेड्स हैं, मैं फटाफट से ऐसे करता हूँ उनको दे देता हूँ। ओके गाइज यहाँ पे अपना एक और फ्रेंड आ चुके हैं जो कि हमारे साथ अभी पहले जुड़े हुए थे, इनको थोड़ा सा काम था इसलिए ऑफलाइन गए। दो दो साइक्लोनाइट से एक स्टील का डोर तो टूट ही जाएगा। ओके गाइज फाइनली, अबे शॉटगन ट्रैप है, तो सबसे पहले तो इसका शॉटगन ट्रैप्स का भी हमें बुलेट्स खत्म करना पड़ेगा। देखते हैं यार कितना टाइम लगेगा। एंड यहाँ पे जो है ना गाइस एक काफी गलत सीन हुआ था, गलती से यार मैंने बजूका ही फायर कर दिया। मेरे को याद नहीं था कि मेरे हाथ में बजूका है, मैंने समझा गन है, तो मैं यार दबा दबा के फायर करने में लगा हुआ था। और देखो यार अभी चलो सबसे पहले हम लोग ये इसका जो फर्नेस है उसे तोड़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। भाई बंकर बेस है, अगर हम लोग सीधा डोर टू डोर जाएंगे ना काफी ज्यादा लगेगा बॉम्ब अपना, तो ऐसे करते गाइस हम लोग ये सीलिंग ही उड़ा देंगे इसका। यहाँ पे से इसका अंदर जाने का रास्ता है, तो ऐसे करते हैं यार डायरेक्ट जो है ना हम लोग ये ही तोड़ते हैं, जो सीलिंग है ना उसी में हम लोग 6 साइक्लोनाइट लगाएंगे एंड इजीली बूम बम। ओके गाइस अभी थोड़े से बॉम्ब्स और लगेंगे, हम लोग ऐसे करते हैं ना हैंडमेड सी लगा देते हैं, क्योंकि अब तो हमें लगता है यार अपने पास इतने बॉम्ब्स नहीं है कि हम लोग टाइटेनियम का बेस रेड मारे, तो हम लोगों ने जितने भी बॉम्ब्स देना गए सारे के सारे यही बेस में वेस्ट कर दिए। और आपको यार मैं लास्ट चीज दिखाऊंगा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि आप लोग 71 आवर्स की रेड करते हो तो कि बड़े बेस को रेड मारो, भाई जो टॉप में है ना उसका बेस रेड मार के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे बॉम्ब्स यार क्राफ्टिंग में रख के अपने सेफ बॉक्स में ले जाएगा। आप लोग जो है ना छोटे छोटे बेसिस को रेड मारो एंड वहां से काफी मोटा प्रॉफिट होगा। भाई शॉटगन ट्रैप है, अभी थोड़ा सा इसका हेल्थ बचा हुआ है, 2-3 हैंडमेड्स है मेरे पास एंड यहाँ पे लगा देते हैं। यार गिनती नहीं करी जितने भी बॉम्ब्स थे ना सारे के सारे लगा दिए। ओके गाइस यहाँ पे टूटा, ओहो नीचे से ऑटो कैनन मार रहा है, लगता है गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे अपने को हैंडमेड्स वगैरह लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद ही जो है ना ये ऑटो कैनन और ऑटोमेटिक राइफल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। बिना इसको डिस्ट्रॉय करे तो मुझे नहीं लगता हम लोग अंदर जा पाएंगे। देखो अंदर ऑटो कैनन है और इसका कैबिनेट जो है ना मुझे तो वहीं पे लगता है, ये जो रूफ है ना उसके अंदर इसका कैबिनेट है। तो यहां पे ये भाई मेरे से हैंडमेड मांग रहे थे, मैंने कहा यार मेरे पास अभी लगभग 7 ही हैंडमेड बचे हुए हैं, ये तुम ले लो। तो भाई आई थिंक ऑटो कैनन टूट चुका है, तो हम लोग जो है ना गाइस फटाफट से अंदर चलते हैं। ओके गाइस यहाँ पे कैबिनेट भी फूट गया, तो भाई अब लगता है हम लोग अंदर जा सकते हैं एंड फटाफट से यार अपना कैबिनेट प्लेस करेंगे। आई थिंक ऑटो कैनन नहीं, ओके गाइस अब टूटा कैबिनेट एंड यहाँ पे गाइस मैंने एक एक बॉक्स तोड़कर देखा एंड आप लोग खुद ही देखिए गाइस हमें कितना सामान मिलता है। सबसे पहले तो कैबिनेट क्राफ्ट करता हूँ एंड फटैक्स जो है ना हम लोग यहाँ पे कैबिनेट प्लेस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग जितना भी सामान वगैरह होगा वो कलेक्ट करेंगे। तो ओके गाइज यहाँ पे अपना कैबिनेट जो है ना वो बन चुका है, मैं फटाफट से प्लेस करता हूँ एंड अपने टीममेट्स को जो है ना यहाँ पे ट्रफ दे दूंगा। भाई एक एक करके मैं सारे बॉक्सेस देखने लगा क्योंकि मुझे जो है ना इस बेस से उम्मीद था यार कि अपने को काफी अच्छा सल्फर मिलेगा, पर यार सारे के सारे बॉक्सेस तोड़े पर मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू, मतलब यार अब क्या ही बोल सकते हैं। बंदे के पास पर्पल कार्ड यार काफी ज्यादा है, मतलब 2-3 दिन तक मैं पर्पल कार्ड्स नहीं उठा रहा था, सो बंदों ने यार इतने सारे पर्पल कार्ड्स जमा कर दिए
अब क्या ही बोल सकते हैं। चलो गाइस ये वाले बॉक्स तो अपने को कुछ नहीं मिला एंड इस वाले बॉक्स में देखते हैं क्या मिलेगा। भाई बंदे ने आयरन तो काफी गजब का फार्म किया हुआ है, चारकोल भी काफी अच्छा है, पर अपने को यार सल्फर नहीं मिला। लगता है मुझे ये भाई भी जो है ना बॉम्ब्स अपने सेफ बॉक्स में रख के ले चुका है। भाई ये गलत सीन कर दिया, मतलब यार जैसे हम लोग करते हैं वैसे सारे बंदे तो करेंगे, दिमाग सब में है भाई, किसी के दिमाग को छोटा मत समझो। तो ओके गाइस यहाँ पे लगता है अपने को कुछ खास नहीं मिलेगा, दो बॉक्सेस बचे हुए हैं इनमें देख लेते हैं बॉम्ब्स वगैरह मिलेंगे। नहीं गाइस इसमें भी अपने को कुछ नहीं मिला, बस एक बॉक्स बचा हुआ है एंड वहाँ पे देखते हैं। वेपन बॉक्स में तो अपने को वही मिलेगा, गन्स वगैरह इस मिलेंगी और कुछ खास तो मिलेगा नहीं। हाँ यार कुछ नहीं मिला, मतलब यार गजब का सीन है, इतने सारे बॉम्ब्स वेस्ट किए हैं मिलता कुछ नहीं है। फिर भी हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार एक बार ही ऊपर जाके देखते हैं, क्योंकि ये दो फ्लोर का बेस था तो मे बी यार कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। यहाँ पे भी कुछ बॉक्सेस थे, उसको देखा तो यार वो उसमें भी सारे के सारे कंपोनेंट्स थी दिखे। तो यहाँ पे जो है ना अपना टीममेट क्या देख रहा है यार, बॉम्ब्स ढूंढ रहे हैं पर बॉम्ब्स ही नहीं मिल रहे हैं भाई, गलत सीन। ओके गाइस ऊपर चल के देखें, तो चलो यार फटाफट से हम इसको तोड़ते हैं एंड ऊपर चल के देखेंगे ऊपर क्या है। चलो यहां पे से जंप करके सीधा ऊपर एंड यहां पे भी गाइस हमें कुछ बॉक्सेस दिखे एंड मुझे लग रहा था कि डेफिनेटली यहां पे अपने को बॉम्ब्स वगैरह तो मिल ही जाएगा, पर ये गाइस मेरी सोच थी एंड था वहां पे कुछ नहीं। देख रहे हो गाइज आजकल के चकड़ित लोंडे हैं, मतलब दिमाग यार बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है। इनको देख के तो यार मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई पुराने नए बंदे नहीं है, ये पुराने बंदे हैं, मतलब बंदे को अपने बॉम्ब नहीं देने चाहे कुछ भी हो जाए। ओके गाइज यहाँ पे लार्ज फर्नेस लगा के रखी हुई है बंदे ने। ओके थोड़ा सा सल्फर है, 200 सल्फर गाइज। तो फाइनली गाइज अभी जो है ना हम लोग फटाफट से इस बेस को तोड़ते हैं एंड उसके बाद जो है ना हमारी नज़र में एक बेस है जो कि मुझे लगता है कोई न्यू बंदे का बेस होगा एंड आप लोग देखो यार उनसे अपने को क्या ही गजब का सा फार्म मिलेगा अभी। तो चलो गाइज अब इस बेस को यहाँ पे रखने कोई भी फायदा नहीं है, जो है ना मैं इसको फटाफट से पूरे का पूरा उड़ा देता हूँ। तो ओके गाइज यहाँ पे हमने इसकी पूरी की पूरी आउटर वॉल तो गिरा दिया है, बस इसका बेस गिराना बाकी है एंड उसके बाद हम लोग एक बार ही दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे, क्या पता हमें बॉम्ब्स वगैरह मिल जाए, कोई ना कहीं कोने काने में रखे होंगे, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो यार तो भी ठीक है, उसके बाद यार मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो यार यहाँ पे हम लोग इसके बेस में बॉम्ब्स वगैरह ढूंढ रहे थे पर यार हमें एक भी बॉम्ब नहीं मिला, तो हमारे पास यार अब कुछ ज़्यादा बॉम्ब्स वगैरह बचे नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा यार अभी अपन को कोई छोटे छोटे बेसिस देखने पड़ेंगे जहाँ से हमें थोड़ा सा फार्म वगैरह मिले, बाकी आगे की रेट्स हम लोग तभी करेंगे। अगर फार्म नहीं मिला तो गाइज मे बी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस सर्वर का लास्ट वीडियो होगा। तो अभी जो है ना गाइज यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर रहे थे दोबारा से पर मिला कुछ नहीं, सो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा चलो ऐसे करते हैं ना यहाँ पे से हम लोग फटाफट से निकलते हैं। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी वगैरह बनाई एंड उसके बाद हम लोग निकल चुके थे यार एक्जिलिया के तरफ, वहाँ पे भी दो वेंडिंग्स थी जो कि कुछ ना कुछ सामान वगैरह सेल कर रही थी एंड उसके बाद यार हम लोग गए एंड देखो गाइज मैं बोला था ना अगर आप लोग छोटे छोटे बेसिस पकड़ोगे सो आपको काफ़ी अच्छा लूट मिलेगा एंड वो भी गाइज छोटा ही बेस था, ज़्यादा बड़ा नहीं था एंड लिटरली गाइज काफ़ी अच्छा सामान मिला था। तो चलो गाइज अभी जो है ना हम लोग निकले यहाँ पे से एंड यहाँ पे जो लीना नाम से भाई थे जिन्होंने अपने को साइक्लोनाइट दिया था उनको यार कुछ थाई बंदे मारे थे, तो मैंने डिसाइड करा चलो हम लोग चल के देखते हैं मे बी उनके बेसिस वगैरह में यहाँ पे रेड हो रही होगी। पर यहाँ पे जो है ना किसी भी बंदे का नाम रिपोर्ट में नहीं आया, तो मैंने कहा यार लगता है उन भाई को जो है ना वो थाई बंदे कहीं और मारे थे जहाँ पे ये रेड्स वगैरह कर रहे होंगे। मैंने कहा यार वो तो मैं नहीं देखूंगा, अगर रेड करते होते अपने सब्सक्राइबर भाई को तो डेफिनेटली गाइज हम लोग सेफ जरूर करते एंड उसके बाद जो है ना हम लोग निकल गए थे एक्जिलिया के साइड में
जो बेस हम लोगों ने देखा था उसको रेड करने के लिए। एंड देखो गाइस वहां पे क्या ही गजब का सीन होने वाला है। तो ओके गाइस यहां पे हम लोग पहुंच गए और देखो यहां पे दो बेस हैं एंड एक बेस में तो अपने को कुछ ज्यादा खास मुझे याद नहीं है पर मिला बहुत सामान था गाइस अपने को यहां पे। आधा सामान मैंने उठाया था, आधा अपने दूसरे भाई ने उठाया था, आधे अपने तीसरे भाई ने उठाया था। तो यहाँ पे हम लोग बेस देखने लगे थे जो कि काफ़ी इजी रेट था। तो देखो गाइस पूरा ओपन बेस है एंड हमें जो है ना एक एक डोर उड़ाना है। तो यहाँ पे यार अपने जो टीममेट था वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, उसने बोला यार ये रेट मारूंगा अगर कुछ नहीं मिला तो अपना काफ़ी बड़ा सीख कट जाएगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार आगे वाले देख लो, आगे वाले को रेट कर लेते हैं। एंड आगे वाले में भी गाइस स्मॉल बॉक्सेस थे, यहाँ पे तो यार और हालत खराब। आहिश भाई ने बोला भाई यहाँ पे का मैं रेड नहीं करूंगा, हम लोग पहले जो है ना आगे वाले ही देखते थे। मैंने कहा चलो ठीक है आगे वाले ही देखते हैं, पर उन्होंने जो है ना सबसे पहले इसी को रेड कर दिया। चलो कोई नहीं यार करते हैं, बॉक्सेस में कुछ है कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो गाइस भाई बोलने लगे भाई रहने दे इस बेस को मैं नहीं कर रहा रेड, आगे वाले को करूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है यार पहले आगे वाले को ही देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है ना अपना टीममेट बोलने लगा यार मेरे पास सारे के सारे हैंडमेड्स खत्म हो गए। मैंने कहा साइक्लोनाइट कितने बचे हुए हैं, उन्होंने कहा 10 से 12। तो मैंने कहा यार कोई टेंशन वाली बात नहीं अपना लॉस होगा, पर कोई नहीं यार इतने बॉम्ब से हम कोई और बेस भी रेड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा यार इसी बेस में जो है ना लगा लीजिए। हम लोगों ने साइक्लोनाइट यार इसीलिए बनाए थे क्योंकि हमारा प्लान था अगर कोई स्टील का भी बेस होगा, स्टील के डोर को तोड़ने के लिए लगभग कितने C4 लगते हैं, 4 C4। अगर हम 2 साइक्लोनाइट में 1 स्टील का डोर तोड़ते तो लगभग हमारे 10 एक्सप्लोजिव की बचत होती है, मतलब 25 का एक बनता है 50 का 2। ये सोच के गाइस हम लोगों ने सारे के सारे साइक्लोनाइट बनाए थे एंड अभी जो है ना अपने कुछ देर बाद यहाँ पे हैंडमेड भी खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार अब इन बेस में साइक्लोनाइट ही लगाओ। बॉक्सेस में यार कुछ खास है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना अपना टीममेट ऊपर चेक कर रहा है कि क्या है। मैंने कहा भाई लगा दे। ओके गाइस यहाँ पे भी डोर है, अपने को थोड़ा सा डर लगने लगा है अभी गाइस यहाँ पे अपने साइक्लोनाइट लग रहे हैं बूम बूम एक एक। ओके यहाँ पे भी अभी हैंडमेड ही लगा है। ओके बंदा है आगे, डेफिनेटली कुछ मिलेगा भाई इसमें से, कुछ खास है नहीं फर्नेस में, नहीं है यहाँ पे ये भेज में भी गाइस कुछ खास मिला नहीं अपने को। तो चलो यार फटाफट से इसका कैबिनेट उड़ाते हैं। तो भाई इसका कैबिनेट तो हम लोगों ने उड़ा दिया है फटाफट से, जो है ना अपना कैबिनेट बना के रखते हैं। वैसे बंदे ने यार स्टोन वगैरह तो काफी ज्यादा फार्म किया था तो मुझे लग रहा था यार सल्फर तो मिलना चाहिए। एंड देखते हैं गाइस। कि सल्फर मिलता या नहीं मिलता भाई, टर्फ नहीं दिया, कैबिनेट तो प्लेस कर दी पर टर्फ नहीं दिया। ओके चलो यार मैंने ही कर दिया एंड उन भाई ने जो है ना अपना टीसी तोड़ दिया था। चलो यार फटाफट से इसका बेस उड़ाते हैं। ओके गाइस यहाँ पे सारे के सारे भाई लोग आ चुके हैं, फटाफट से इसका बेस उड़ा के देखते हैं कुछ गिरता है या नहीं गिरता कुछ ऊपर से। तो ओके गाइस यहाँ पे कुछ सामान वगैरह तो गिरा है, एक बारी चेकआउट करना तो बनता ही है। कुछ नहीं है गाइस, कुछ नहीं है इस वाले बेस में भाई, क्यूबीज ही है बंदे के पास।
कुछ नहीं है गाइज। अब इस वाले बेस में हमारा कुछ विश्वास है कि अपने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो देखते हैं गाइज यहाँ पे अपने को क्या मिलता है। चलो एक एक साइक्लोनाइट लगेगा एंड बूम बम तरीके से डोर डोर तोड़ 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 ऊपर बढ़ेंगे हम लोग। एक डोर, एक बॉम्ब से एक डोर, गजब सीन है। तो ओके गाइज यहां पे ओ भाई ऑटोगन आई मीन शॉटगन ट्रैप है। सबसे पहले तो इसका एमो वेस्ट करना पड़ेगा अपने को। मुझे नहीं लगता यार ज्यादा शॉटगन ट्रैप्स में शॉटगन की बुलेट्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 ही के करीब होंगी। तो ओके गाइस यहां पे टूटा एक और डोर है एंड फटाफट से लगाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो बंदे का लूट है ना वो पूरे का पूरा लूट ऊपर है। आई थिंक शॉटगन ट्रैप्स की यार बुलेट्स खत्म नहीं हो रही है, काफी ज्यादा बुलेट्स है। सबसे पहले तो मैं अपना फील अप करता हूँ, फिर हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। भाई यहाँ पे देखो भाई एक बॉक्स मिला एंड इसमें देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। बंदे ने एक्स काफी ज्यादा रखा हुआ है, सो मुझे यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने को यार सल्फर काफी मिलेगा यहाँ पे। भाई अंदर बॉक्सेस हैं, देखो अंदर बॉक्सेस हैं एंड देखते हैं यार यहाँ पे क्या मिलता अपने को। तो भाई यहाँ पे शॉटगन ट्रैप है, यहाँ पे हमें अपने इसका कैबिनेट मिला। फटाफट से इसका कैबिनेट में लगाते हैं दो बॉम्ब एंड इसको जो है ना फटाफट से बूम बम करके अपना बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे आप लोग सल्फर तो देख ही सकते हो कितना ज्यादा सल्फर था एंड वो तो यार मैंने थोड़ा बहुत मैंने उठाया, बाकी जो है ना सारा का सारा मेरे टीममेट ने उठा दिया। तो यहाँ पे इसका कुछ एमो बॉक्स है वो भी तोड़ के देखते हैं कि अंदर से अपने को क्या मिलेगा। बॉम्ब्स तो यार यहाँ पे भी कुछ, भाई सल्फर तो देखो लगभग 14 के करीब सल्फर है, आई मीन 14,000 के करीब। तो चलो गाइस फाइनली हम लोगों ने जो है ना ये बेस पूरा उड़ाया। एक बारी हम लोग जो है ना दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे कि अपने को कुछ और जगह में इन्होंने क्या पता लूट वगैरह छुपाया होगा, देखते हैं यार क्या 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 मिलता है। अभी जो है ना अपने टीममेट ने तोड़ने से थोड़ा सा मना किया था, वो वर्कबेंच में आई थिंक कुछ बना रहे थे। क्या करें गाइस, तोड़ दें, स्कैम कर दें इनके साथ? नहीं भाई स्कैम कर दिया ना गालियां पड़ेंगी। तो चलो गाइस फटाफट से ऐसे करते हैं ना तोड़ देते हैं। ओ भाई मेरे से पहले तोड़ दिया। चलो एक एक करके सारे के सारे लूट बॉक्स चेक करता हूँ, इसमें कुछ है। आयरन तो काफी ज्यादा है पर अपने को आयरन का क्या करना है गाइस, लास्ट डे है वैसे भी इस सर्वर में। तो चलो गाइस ऐसे करते हैं फटाफट से अभी जो जो हमें सामान चाहिए वो सारा का सारा उठा लेंगे एंड उसके बाद जो है ना हम लोग एक आधा बेस और देखते हैं एंड फाइनली अपनी रेड जो है ना वहां पे एंड कर देंगे। लगभग अपने पास 5-6 करीब साइक्लोनाइड है, एक आयरन का बेस तो हो ही जाएगा 2x2 3x3 का रेट। तो चलते हैं गाइस देखते हैं कहीं ना कहीं तो अपने को मिलेगा जरूर। तो फाइनली यार उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे एंड निकले थे एंड यहां पे जो है ना गाइस थाई बंदों का सीन हमारे साथ हो गया था। पहले बारी जो है ना गाइस हम लोग रेडी नहीं थे तो वो लोग हमें बजूका से मार दिया एंड इस बारी जो है ना अपने टीममेट लोग उनको मारने के लिए एकदम कैंप लगा के बैठे हुए हैं। तो वो जो है ना गाइस अभी अपना वेट कर रहे हैं एंड जैसे मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा गाइस फिर जो है ना वहां पे बूम बम स्टार्ट हो जाएगा उन थाई बंदों के साथ।
काफी ज्यादा गजब का सीन होगा गाइज। अभी जो है ना हमें थोड़ा सा वेट करना है, बस मैं वहां पे पहुंच जाऊं एंड फिर बूम बम तरीके से आर पार देखी जाएगी यार कौन जीतता है। भाई बजूका चलने लगी, एक नॉक। मैं थोड़ा सा लेट कर दिया गाइज, अपने टीममेट के पास काफी अच्छा मौका मिल गया था उनको मारने का, तो वो जो है ना उनके ऊपर फायर करने लगे। तो देखो गाइज आपस में फायर होने लगा इनके ऊपर भी, देखते कौन सरवाइव करेगा। क्या लगता है गाइज आपको, क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? बंदा दिखा पर मेरा एक भी बुलेट्स कनेक्ट नहीं हुआ इसको, तो मैंने डिसाइड करा अभी जो है ना लगभग इनके एक बंदा नॉक है, मैं जो है ना फटाफट से पुश करके देखता हूँ। बंदा मुझे ऐसा लग रहा है इस घर के पीछे है। भाई एक बंदा और नॉक, एक और नॉक, भाई गया। लगता है गाइस यहाँ पे जितने थाई बंदे थे वो सारे के सारे बच गए, फिर भी जो है ना एक बार ही जाके तो देखना बनते। एक और बंदा गया, तो भाई मजा आ गया। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमने इन थाई बंदों को तो बजा दिया है। किधर भाग रहा है भाई, अपना लूट लेने तो आएंगे हम लोग। तो गाइस यहाँ पे जो है ना इनको अपने से काफी अच्छा लूट मिला था, पर ये यहाँ पे से गए नहीं, मतलब ये लोग यहाँ पे बिजी थे बेस रेड मारने में एंड हम लोग अपने बेस से आए। एकदम सेंटर ऑफ द मैप में अपना बेस था, वहां से गाइज हम लोग गन लेके आर्मर वगैरह लेके पैदल भागते भागते यहाँ पे आए, पर ये बंदे जो है ना अपने को दोबारा से यहाँ पे मिल गया एंड हम लोगों ने जो है ना गाइज इनको बजा दिया। एंड उसके बाद यार हम लोग यहाँ पे से जाते भी हैं, उनका वेट कर रहे थे यार क्या पता गन्स वगैरह लेके आएंगे, पर वो बंदे जो है ना गाइज गन्स वगैरह लेके आए नहीं। एंड देखो यार, तो उसके बाद यार जितना भी अपने पास सल्फर वगैरह था सो मैंने जो है ना यहाँ पे ही डिस्पॉन कर दिया, क्योंकि यार अपने पास चारकोल वगैरह नहीं था जिससे हम लोग इसका कुछ भी काम कर सके। तो मैंने कहा यार ऐसे करते ना यहीं पे डिस्पॉन कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग उनके बेस में भी गए, पर वो बंदे जो है ना गाइस भाई इतना बड़ा बेस बना के रखा हुआ था, डिवाइस उल्टा लैग हो रहा था एंड हम लोग जो है ना कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और वो जो है ना टावर से अपने को मारने का ट्राई कर रहे थे, तो अपना गाड़ी भी वहां पे एक पूरा का पूरा जल के बर्बाद हो गया था। तो हम लोगों ने डिसाइड करा फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग सर्वर को एंड करते हैं एंड आप लोगों के कारण ही गाइस बस थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। तो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो यार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हमें जो है ना अपना गाड़ी भी मिल चुका है भाई, मजा आ गया। वैसे 600 के करीब टाइटेनियम मिला, तो भाई इतना टाइटेनियम ले जाके तो कोई भी फायदा नहीं है, तो मैं जो है ना ये टाइटेनियम सारा का सारा यहीं पे गिरा देता। ओके यहाँ पे एक बंदा दिखा, पर कोई नहीं। इसमें क्या है? पाइप के बुलेट्स है भाई, बम अभी भी कहाँ चल रहे हैं। भाई ये बंदे से फाइट नहीं था एंड गलती से जो है ना इसको ही पहले जा रहे हैं सबके सब। ये भी बोलेगा हम कोई मंदिर का घंटा है, सब आके बजाया जाए। चलो कोई नहीं गाइस, चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड मन करे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते गाइस हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। सो बाय बाय गाइस, क्वालिटी के बारे में जरूर बताना कि क्वालिटी आज कैसा था। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।